मैंने चेक नहीं किया। उनको इतनी जोर से चेक कर लिया। सुनो मेरा दिमाग मत खाओ। सॉरी मैं हराम नहीं खाता। अच्छा तुम दुनिया में आम लेने आई हो, क्या करने आई हो? मैं मिस मोहल्ला हूँ। हाँ पूरे मोहल्ले में अकेला तेरा घर है। शादीवादी की? ए शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ मुझे पता है बच्चों का खेल है, लेकिन खेला बच्चों के लिए जाता है। और एक बच्चा हो जाए फिर वो खेलने नहीं देता। देखो तुम जानते हो मैं यहाँ किससे शादी करने आई। किससे करेगी बता दे। मैं एक स्पोर्ट्समैन से शादी करना चाहती हूँ। स्पोर्ट्समैन से? हाँ। तो मेरे से कर ले। मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ, स्टेडियम में जाकर जगह जगह मेरी फोटो लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, और हर फोटो के नीचे लिखा है पुरुष शौचालय इस तरह। अब मैं बहुत बड़ा भागता हूँ, मैं रेस में हिस्सा लेता हूँ, एकदम एक खड़े खड़े भागता हूँ, थकता भी नहीं। अरे जाओ जाओ, तुम अकेले भी अगर रेस में भागोगे ना तो भी सेकंड पोजीशन पर ही आओगे। अबे मैं फर्स्ट आया था, तीन आदमी भागे थे। अच्छा तो सेकंड और थर्ड कौन आया था? सेकंड और थर्ड, ए सेकंड पुलिस वाला आया था, थर्ड जिसका मैं बटवा लेके भागा था वो आया था। देखो मैं तुम जैसे जेब कतरों से शादी नहीं करना चाहता। अच्छा तो तुम्हारा कोई है आइडियल वाइडियल? स्पोर्ट्समैन? नहीं। हाँ स्पोर्ट्समैन है ना। हाँ। तो मैं बताता हूँ मेरे जानने वाला है। हाँ बताओ बताओ। मैं मिस मोहल्ला हूँ। मिस मोहल्ला? मेरा एक खिलाड़ी दोस्त है अपना कबड्डी का, उसे कर ले। ना ना। क्यों? मैं कबड्डी के खिलाड़ी से शादी नहीं करूँगी। वजह? मेरी सहेली ने ना एक कबड्डी के खिलाड़ी से शादी की थी। अच्छा। शादी हो गई, सुहाग रात हुई, कमरे में आया छू करके भाग गया, दोबारा वापस आया ही नहीं। तो चल काम कर, उससे कर ले रेसलर के। रेसलर? हाँ ये सही कही। हाँ। रेसलर दिखाओ कोई। जरा एक रेसलर फेंकना। क्या जूते की दुकान पे आई है? दिखाओ कोई। तो मैंने को तय लगा कर रखा हुआ या रेसलरों का? कोई नहीं कहा है रेसलर। तुम उससे क्यों बोली दिखाओ? लग रहा मैं रेडल पे लेके निकला हूँ, रेसलर ले लूँ। मैंने तय कर लिया है कि मैं किससे शादी करूंगी। किससे? मैं क्रिकेटर से शादी करूंगी। कौन? मसलन वसीम अकरम। उससे ना करना, लेफ्टी है, सारे काम उल्टे हैं उसके। क्या कह रहे हो? अरे तेरा जहन ही गंदा है। तू वो बोलेगी खाना खाओ, बोलेगा नहीं खाऊंगा, मैं जानता हूँ उनको, थोड़ा से सनकी है वो। तो ठीक है फिर मैं इंजमामुल हक से शादी करूंगा। सुस्त आदमी है, क्या करेगा लाइफ मुझे वो। उसको कभी आउट होते हुए देखा? तू बोल आउट है ग्राउंड में, ऐसे देखेगा तरसी भी निगाहों से, बोल आउट। आधे घंटे तक पीछ पीछे चलता रहता है आउट होने के बाद भी। कि शायद दोबारा बुला ले यार, अंपायर बुला ले, तरस आ जाए उसको। शायद आधे घंटे में पहुंचता पवेलियन में। सब कहते खाना वाना खा लो, वो आउट हो गया, आ रहा खाना वाना खा। फिर मैं शोएब अख्तर से शादी। उससे तो करने नहीं, उसकी स्पीड बहुत है पागल। उससे दही मंगाओ, लस्सी लेके आता है, इतना भागता वो। पाकिस्तान में लोचा वाला 5 साल के लिए बैंड हो गया। उससे पब्लिक से बोला मुझे वोट दे के बचाओ वरना मैं अपने आप को आग लगा लूंगा, मुझे वोट दो वरना आग लगा लूंगा। तो पब्लिक ने वोट दिया? नहीं, सबने पेट्रोल दिया, बोले जल्दी करिए काम यार। मसला है ना, उससे ना करो। तो किससे करूं? मेरे जहन में है। हाँ बताओ। पुराने क्रिकेटर पसंद है कोई? हाँ वो 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 अब्दुल कादिर। पागल हो गई, उसके तुझे खुद रिश्ता आता रहा, लड़का इंजीनियर था। हाँ क्या मतलब? उसको कभी गेंद कराते हुए देखा? नहीं। वो गेंद कैसे कराता था? सामने वाली पार्टी ने बल्ला ही फेंक दिया, हम खेलने आए, कोई मुजरा देखने आए क्या? तो फिर किससे करूं? मेरे जहन में है दो। बता। बूम बूम शाहिद आफरीदी। ना ना। क्यों? उससे नहीं करूंगी। क्यों? पिच पे टिकता ही नहीं। तो फिर सचिन से कर ले। ना ना, उससे भी नहीं करूंगी। क्यों?
अरे वो पिज्जा हटता ही नहीं। मैंने सोच लिया, सोच ले, मैं जय सूर्या से शादी करूंगी। वीआईपी जैसे बच्चे होंगे फिर। समझ गए। क्या? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी से शादी करूंगी मैं। अबे उनसे करियो भी नहीं, इतने बड़े बड़े होंठ हैं, होंठ से ही पिस साफ कर लेते। खुदा की कसम वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी खड़े खड़े अपनी नाभि की चुम्मी ले लेंगे। अबे उनकी तो क्वालिटी का पता ही नहीं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का। खुदा बच्चे की पप्पी लेते हैं, बच्चा पप्पी के नीचे दब जाता है। अबे उनका होंठ देखें, हम लोग खैनी खाते हैं ना यूं करके। हाँ। उनको लिए ट्रक आता है खैनी का। चलो भाई डाल दो। फिर वो बेलचे से डालते हैं। पूरा हो गया साहब, निकल लो बेलचे से। होंठ सालन पका लो, 150 आदमी तो भुगत ही जाएंगे। क्या पकाए? होंठ आलू पकाए, खा के जाना बहन। आलू तो फिर किस? ठीक है मैं समझ गई, मैं ना इन्हीं से शादी कर लेती हूँ। बजी भाई से? भाई होगा तुम्हारा। मैं उसको दुला भाई बना लूंगा तेरी तरफ से, कोई मसला नहीं है। नहीं, उनसे करूंगी। हाँ मैं इन्हीं से करूंगी। निकालो निकालो बुराई, निकालो सामने ही बैठे हम, निकालो बुराई। अब बुराई कोई नहीं है। हाँ, बस इनमें एक क्वालिटी है। हाँ। ये ग्राउंड के बाहर भी बोल्ड करते हैं आदमी। क्या करोड़ों का नुकसान हो। शादी से पहले हाथ जरूर बदवा ले, यकीन नहीं तो पूछ ले। पूछो पूछो। बताइए जी, बताइए।